अगर हम गुजरात के किसी कोचिंग में बैठे रहते तो सारा लड़का सब फोर व्हीलर से आए रहता। तुम लोग सब लोग फोर व्हीलर से आए रहते। क्या चीज से आए रहते? अगर तुम लोगों को चलाने नहीं आता तो तुम लोगों का ड्राइवर आया रहता, बाहर खड़ा रहता। बुरा बात ये नहीं है कि साइकिल से आया, बुरा बात ये है कि साइकिलें पर मर जाएंगे तब बुरा बात। अब बुरा बात ये होगा कि जो संघर्ष आप कर रहे हैं वही संघर्ष अगर आपका बच्चा भी किया ना तो समझिए आप निकम्मा है। अब पैसा के पीछे भागो, सफलता के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे भागो, सबके पीछे भागो, लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार मत करना। सब पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना गुनाह है। बिहार के लड़का को गलत ट्रेनिंग शुरू से दिया गया है। ससुरा जब तक नौकर नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होगा, दहेज नहीं मिलेगा। और गुजरात के लड़का को ट्रेनिंग दिया जाता है जब तक चार को फैक्ट्री नहीं खोलोगे, चार को शोरूम नहीं खोलोगे तब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। वहाँ पे सरकारी नौकरी वाला का ब्याह नहीं होता है। गुजरात में पूछता नहीं है लो कितना कमाएगा तो 60,000 रुपये महीना कमाएगा। अइयाँ अगर कोई बढ़िया सीमेंट बालू छड़ का दुकान खोल लिया और महीना में 5 लाख रुपया कमा रहा है तो का तो छड़ बालू गिट्टी बेचल। अब ब्लॉक में चला गया संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया और 15,000 रुपया सैलरी है तो लड़कवा बड़ी कमाता 20 लाख रुपया। सोच जो है वो ब्रॉड करने की जरूरत है। जिस दिन बिहार का सोच ब्रॉड हो जाएगा मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुम ही लोगों में से कोई अमेजॉन बनाएगा, अमेजॉन से बड़ा कंपनी बनाएगा, तुम ही लोगों में से कोई टाटा से बड़ा कंपनी बनाएगा, तुम ही लोगों में से कोई बिरला से बड़ा कंपनी बनाएगा। लेकिन नौकर वाला सोच खत्म करना है, नौकर नहीं बनना है। आंख में आंख डाल के देख लो, जब तक 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाओ, कितना 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाओ तब तक ब्याह मत करना। सब आज मेरे साथ मेरे पास 20 गाड़ी है, 20 फोर व्हीलर है, ठीक है, और 20 में से एक फोर व्हीलर छोड़ के 19 जो है दोस्तों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? और चुनाव आते आते कम से कम 100 फोर व्हीलर मेरे साथ घूमेगा, जिसमें एक फोर व्हीलर छोड़ के 99 फोर व्हीलर लोग देंगे। औकात ऐसा बनाइए कि पूरा जवाना जो है आपका साथ दे। अभी भी खपड़ा का घर है वहाँ से उठे हैं, खपड़ा का घर है वहाँ से उठे हैं। जब हम जैसा आदमी उठ सकते हैं तो आप लोग तो हमसे ज़्यादा हैंडसम हैं, हमसे बढ़िया परिवार से आप लोग बिलोंग करते हैं, आप लोग कहाँ नहीं आगे बढ़ सकते। बहुत सारे लोग पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, हम बहुत तेज नहीं थे पढ़ाई में, बहुत तेज होते हैं। आप उठा के देख लीजिए जितना AI का आविष्कार या माइक्रोसॉफ्ट का मालिक या टेस्ला का मालिक या टाटा मोटर का मालिक या अंबानी, ये लोग पढ़ने में तेज नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़ने में तेज मत बनिए, कहने का मतलब है ये है कि इंसान अच्छा बनिए, व्यक्ति का निर्माण कीजिए, व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, और जिस दिन व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा जीवन में आप सफल हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होंगे। IAS IPS बन जाइए, जाके आत्महत्या कर लीजिए, क्या फायदा। बहुत सारे IAS IPS आत्महत्या किया कि नहीं। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाइए, CCD के मालिक, कैफे कॉफी डे, एक समय जो है भारत में मतलब कि सबसे बड़ा कॉफी का फ्रेंचाइजी ग्रुप हो गया था CCD। बड़े बड़े शहरों में जाइएगा तो देखिएगा एक एक कॉफी जो है 200-300 रुपया में आता है वहाँ पे, ठीक है। हम लोग भी कॉलेज के दिनों में CCD में जाके बैठते थे, बाद में पता चला कि उसका मालिक आत्महत्या कर लिया। विजय माल्या भारत में था, कमाया यहाँ पे, बाद में पता चला देश छोड़ के भाग गया। तो ऐसा नहीं बनना है, जहाँ भी रहना है राज और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना। हमारे ऊपर NSA लगा है, पता है NSA मतलब देशद्रोह का एक देशद्रोह, मतलब हम दो राज्य को लड़ाने का प्रयास किया। और भारत का पहला ऐसा व्यक्ति है जिनके वजह से एक जगह खर भी नहीं खरका, बोला जाता है ना भोजपुरी में खरो ना खर कल, समझ नहीं ना। तब वो हमारे ऊपर NSA लगा दिया गया, और तब भी हम जेल, अब पहला ऐसा व्यक्ति है पूरा आजाद भारत का कि जेल से आंदोलन किए, जेल से निकले कोर्ट आए, 8 मिनट का मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, किसी का आपने आज तक आजाद भारत में नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो दिखा दीजिए 8 मिनट का किसी का भी वीडियो, हम छोड़ देंगे राजनीति। जेल से कोर्ट जाने के दौरान बीच में 8 मिनट का वीडियो किसी का भी आप लोगों ने देखा होगा, पूरा पूरा दूगो राज हमारे पीछे लगा रहा, दूगो राज का सरकार लगा रहा, तमिलनाडु का सरकार और बिहार का सरकार, और लड़ते रहे हम, बोले कि इनको जो करना है कर ले, हम नहीं झुकेंगे। और आज हम इस जिस भी मुकाम पे हैं हमको बड़ी खुशी मिलती है, हम बड़ी 99% मार्क्स लेके आते हैं, किसी ऑफिस में जाके कहीं बैठे रहते हैं मुंह बनाए रहते, हमको सुकून नहीं मिलता।
हमारा 65% मार्क्स है, लेकिन हमको सुकून है। आपको नंबर तेज को तो तेज दुनिया बनाइए देगा, तेज लड़का को तो कोई भी तेज बना देगा। आप बैक बेंचर को जो है टॉपर बनाए तब तो सही है कि नहीं है, जो बैक बेंचर हैं उनको टॉपर बनाइए, उनको जीवन में सफल कराइए। जितना यूट्यूबर है सब कहता है लोग कि बोलने नहीं आता है, और सही में बैक बेंचर होगा सब ना, तबे ना नौकरी नहीं मिला उस सबको। 25,000 यूट्यूबर को रोजगार दे दिया है ना हम बिहार में, दिए कि नहीं? कोई सरकार 25,000, कोई सांसद विधायक 25,000 को रोजगार नहीं देता है। मनीष कश्यप 25,000 को रोजगार दिया है। अब मनीष कश्यप बिहार का पहला ऐसा व्यक्ति है जो जेल जाने के बाद 250 करोड़ रुपया लोगों को कमवा दिया। कितना? 250 करोड़। ढाई करोड़ नहीं, 250 करोड़ कमवा दिया जेल जाने के बाद, कमवा दिया। मेरे ऊपर वीडियो बना, लोगों ने डाला, कमाया लोगों ने, या अच्छा बनाया बुरा बनाया फर्क नहीं पड़ता, 250 करोड़ रुपया कमवा दिया मैं। मुझे अच्छा लगता है, मेरे वजह से किसी का रोजी रोटी चलता है। उगरियाता है तो भी उसको 30,000 रुपया महीना आता है, वो हमको महीना में 30 दिन गरियाएगा तो वो 30,000 रुपया महीना आएगा, और सपोर्ट करता है तो 1,00,000 रुपया महीना आता है। गरियाता है तब तो वो मोटरसाइकिल पे चल रहा है, जो साइकिलो जिसके पास नहीं था वो मोटरसाइकिल पे चल रहा है, और जो सपोर्ट करता है वो कार पे चल रहा है। आज बिहार में मेरे वजह से कम से कम 500 यूट्यूबर फोर व्हीलर खरीद लिए। क्या खरीद लिए? जिनको सरकार नौकरी नहीं दिया, जिनको कोई नौकरी नहीं दिया, कहीं मौका नहीं मिला। अगर हम मौका नहीं दिए होते या नहीं बनाए होते प्लेटफॉर्म, तो शायद आज दारू पीता, स्मैक, नशा, गांजा, यही सब। तो वो लोग जो गलत रास्ते पे जा सकते थे, हम ही नहीं बोल रहे कि गलत रास्ते पे थे, जा सकते थे, उनको हम सही रास्ते पे ला दिए। बदले में हमको क्या मिला? NSA लगा। मेरी माँ सड़कों पे रोती रही, कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने विरोध किया, फर्क नहीं पड़ता। जीवन में वो काम कीजिए जिससे आपको सुकून मिले। घास काटना है तो राष्ट्रपति भवन में घास काटेंगे। कहाँ काटेंगे? और एक बात जान जाइए, हम टॉपर लोगों का निंदा नहीं कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा अगर यहाँ पे कोई टॉपर बैठा हो तो। जीवन में अगर कोई सफल होता है ना, तो 60% से लेके 80% के बीच वाला नंबर वाला लड़का सब सफल होता है, बड़ा पद पे जाता है। वहीं सारा टॉपर लोग जो है टेस्ला कंपनी में नौकरी करते हैं, नौकर बने हैं। और जो बैक बेंचर था वो एलन मस्क जो है टेस्ला कंपनी खड़ा कर दिया। सारा टॉपर लोग जो है अमेजोन में नौकरी करते हैं, और जो बैक बेंचर था जॉर्ज बेजोब जो वो कंपनी खड़ा कर दिया। सारा टॉपर लोग जो है अंबानी के यहाँ IAS IPS रिटायर होते हैं तो जाके रिलायंस ज्वाइन करते हैं। IAS IAS IPS रिटायर्ड होते हैं ना तो जाके जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो कम नंबर आए तो डराना सब मत, कम नंबर आए तो डराना सब मत। एगो IAS IPS अपना जीवन में पूरा जीवन भर कमाएंगे तो 250 करोड़ रुपया नहीं कमा पाएंगे सैलरी के हिसाब से, 100 करोड़ नहीं कमा पाएंगे सैलरी के हिसाब से, और हमारा नाम रख के 250 करोड़ रुपया कमाया सब। तो ऐसा बनिए, बिकम अ पाथ फाइंडर। किसी के द्वारा बनाए हुए रास्ते पर मत चलिए, अपना रास्ता खुद ही बनाएंगे। हमको कहता था सब किसको बोलने नहीं आता है, कहता था सब ना, आज हमारे स्टाइल में कॉपी करता है सब, करता है सब। हम पूना से आए थे, अंग्रेजी में भी हम जो है न्यूज दिखा सकते थे, लेकिन अंग्रेजी में दिखाते तो हमारा ठेला वाला भाई सब क्या समझता। जहाँ पे सुधार की जरूरत है वहाँ पे सुधार कराएंगे। आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग के गार्जियन के पास बहुत पैसा होता तो आप लोग कोटा बैठे रहते। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए ना, सही बोल रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, सही कि नहीं? आज अगर आप लोगों को इस सही रास्ते पे, चंदन जी हमारे भाई हैं और बहुत पहले से इनसे संपर्क है, MJK कॉलेज में छात्र राजनीति करते थे, उस समय जो है हम चनपटिया का चुनाव लड़ते थे, उस समय से संबंध है। आप लोगों को ये जीवन में सही रास्ते पे पहुंचा दे तब ना माना जाएगा। क्रीम लड़का को तो सब पहुंचा देता है सब, एवरेज को जो बेस्ट बना दे तब ना। और जो भी बनना भाई, सुकून के साथ बनना। क्या चीज के साथ?
सुकून के साथ हम काहे बैठे हैं ये 20 गो लड़का के बीच में काहे बैठे? अभी रोडवा पे खड़ा हो जाएंगे तो 200 लोग हो गए हई रोडवा पे बगल में 5 मिनट खड़ा रहेंगे 200 लोग रोड जाम 5 मिनट में। आप लोगों के साथ काहे बैठे? मित्रता वैसा निभाइए। इनका कोचिंग बड़ा हो जाए तब ना हमको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हम किसी के लिए किए उसका कोचिंग बड़ा हो गया। सही है कि नहीं है? अभी हमको नौतन जाना है, फिर एक बार हम आप लोगों के बीच में आएंगे। अच्छा से पढ़ाई कीजिए। टीचर और स्टेशन दो ऐसा चीज़ है जिस पे जो लोग भी आते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और वो वहीं का वहीं रह जाते हैं। शिक्षक वहीं का वहीं रह जाते हैं, स्टेशन वहीं का वहीं रह जाते हैं, लेकिन स्टेशन पे जो लोग भी आते हैं तो हम तो जानते हैं फ्लैक्स प्रिंटिंग ठीक है। और मेरा फ्लैक्स प्रिंटिंग ही फ्री में करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आज आज मेरे साथ मेरे पास 20 गाड़ी है, 20 फोर व्हीलर है, ठीक है। और 20 में से एक फोर व्हीलर छोड़ के 19 जो है दोस्तों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? और चुनाव आते आते कम से कम 100 फोर व्हीलर मेरे साथ घूमेगा, जिसमें एक फोर व्हीलर छोड़ के 99 फोर व्हीलर लोग देंगे। औकात ऐसा बनाइए कि पूरा जवाना जो है आपका साथ दे, ऐसा बनाइए। वो खपड़ा के घर अभी भी खपड़ा का घर है, वहाँ से उठे हैं। खपड़ा का घर है वहाँ से उठे हैं। जब हम जैसा आदमी उठ सकते हैं तो आप लोग तो हमसे ज़्यादा हैंडसम हैं, हमसे बढ़िया परिवार परिवार से आप लोग बिलोंग करते हैं। आप लोग काहे नहीं आगे बढ़ सकते? नौकर मत बनना सब। कौन सी नहीं बनना है? नौकर मत बनना सब, भले किसी को बुरा लग जाए, बुरा लग जाए, नौकर मत बनना सब। नौकर नहीं बनने का मतलब समझते हो क्या हुआ? नहीं, यो बात नहीं बोल सकते, यो बात नहीं बोल सकते हैं। बस नौकर मत बनना, सीमित रह जाना, नौकर मत बनना। बस चालू करो अपना फैक्ट्री, चालू करो अपना कंपनी। बिहार के लड़का को गलत ट्रेनिंग शुरू से दिया गया है। ससुरा, जब तक नौकर नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होगा, दहेज नहीं मिलेगा। और गुजरात के लड़का को ट्रेनिंग दिया जाता है, जब तक चार को फैक्ट्री नहीं खोलोगे, चार को शोरूम नहीं खोलोगे तब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। वहाँ पर सरकारी नौकरी वाला का ब्याह नहीं होता है गुजरात में, पूछता नहीं है लोग कितना कमाएगा, तो 60,000 रुपये महीना कमाएगा। अहियाँ अगर कोई बढ़िया सीमेंट बालू छड़ का दुकान खोल लिया और महीना में 5 लाख रुपया कमा रहा, तो का तो छड़ बालू गिट्टी बेचल, अब ब्लॉक में चला गया संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया और 15,000 रुपया सैलरी है, तो हाँ लड़कुआ बड़ी कमाता 20 लाख रुपया। तो नौकर मत बनना सर, पहला चीज। और दूसरा चीज, जितना लड़का लोग है आँख में आँख डाल के देख लो, जब तक 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाओ, कितना? 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाओ तब तक ब्याह मत करना सब, नहीं करना है, नहीं तो जिंदगी झंड हो जाएगा जिंदगी। अब पैसा के पीछे भागो, सफलता के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे भागो, सबके पीछे भागो, लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार मत करना सब। पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना गुनाह है। और जब तक 1 लाख रुपया सैलरी नहीं तब तक ब्याह नहीं। बुलाइए उनको सर को, सर ठीक है ना? सही है कि नहीं है? सर आ गए, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। सारे लोग का टाइम थोड़ा गड़बड़ा गया, पीके चक्रवर्ती सर भी थे सारे लोग, लेकिन लोग 12 बजे का बात नहीं, तो ये आपके चलते हम लोग सोचे कि शुरुआत आप कर दीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग जीवन में खूब सफल होइए। अगर हम गुजरात के किसी कोचिंग में बैठे रहते तो सारा लड़का सब फोर व्हीलर से आए रहता। तुम लोग सब लोग फोर व्हीलर से आए रहते, क्या चीज से आए रहते? फोर व्हीलर। अगर तुम लोगों को चलाने नहीं आता तो तुम लोगों का ड्राइवर आया रहता, बाहर खड़ा रहता। हाथ में है जो चाइनीज मोबाइल से तुम लोग मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, सबके पास एप्पल आईफोन रहता है, सबके पास। और कम से कम वहाँ गरीब परिवार का भी बच्चा आया रहता ना, अगर लड़की आई रहती तो स्कूटी से और लड़का आया रहता तो बुलेट या KTM से, समझे? तो यहाँ बाबूजी के पास जेबी में पैसा है ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से शौक पूरा करेगा? बुरा बात ये नहीं कि आप लोग साइकिल से आए हैं,
बुरा बात तब होगा जब वो कुछ नहीं कीजिए। नहीं, बुरा बात ये नहीं है कि साइकिल से आया, बुरा बात ये है कि साइकिले पर मर जाएंगे तब बुरा बात। अब बुरा बात ये होगा कि जो संघर्ष आप कर रहे हैं वही संघर्ष अगर आपका बच्चा भी किया ना तो समझिए आप निकम्मा है। हर परिवार में एक लड़का वो जरूर होता है जो अपने परिवार के गरीबी को दूर कर सकता है, वो आप लोग बनो, समझे। हम लीक से हट के बात करते हैं, कुछ लोग मेरा इसीलिए विरोध भी करते हैं। अब वीडियो जो है पूरा नहीं देखेगा सब, आधा काट लेगा सब, बोल रहे बोलेगा सब कि साइकिल वाला का ये साइकिल वाला के बारे में उल्टा सीधा बोले। अरे ससुरा, तो साइकिल वाला को जिंदगी भर साइकिले पर रख दिया जाए। एगो आदमी को हम हवाई जहाज पे चढ़ा दिए, एगो मजदूर को, और संजोग से चप्पल हवाई चप्पल पहना था, हरियाणा से हम लेके आए थे, हवाई चप्पल पहना था और जैकेट उसका फटा हुआ था और गंदा टाइप का था। तो कहने लगा सब कि एगो चप्पल नहीं खरीद सकते थे, हवाई जहाज का टिकट खरीद दिए, चप्पल नहीं कर। रे ससुरा, वह तो दिखाना था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे चल सकता है, वही तो दिखाना था। नहीं तो बहुत सारे मजदूर जिनके पास 25-30 हज़ार 50 हज़ार रुपया रहता है और उनके घर पे कोई बीमार होता है तो डर के मारे जो है वो हवाई जहाज में नहीं चढ़ते हैं। बेंगलुरु से पटना का डायरेक्ट फ्लाइट है लेकिन डर के मारे नहीं चढ़ेगा कि कहीं कोई पूछ दिया, अंग्रेजी में बात कर दिया तब क्या होगा, डर के मारे नहीं चढ़ेगा। तब तक उसकी बीबी एक्सपायर कर जाती है, पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं इलाज के बिना, माँ एक्सपायर कर जाती है, बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। तो यही तो दिखाना चाहते थे। तो वही फोटो हुआ जो है काट के ऐसे चला रहा था सब, ये देखिए ना मनीष कश्यप इतना महंगा हवाई जहाज का टिकट खरीद लिए, आएगो चप्पल के जगह पे जूता नहीं खरीद के दिए, बताइए। तो ये सोच जो है वो ब्रॉड करने की जरूरत है। जिस दिन बिहार का सोच ब्रॉड हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुम ही लोगों में से कोई अमेजोन बनाएगा, अमेजोन से बड़ा कंपनी बनाएगा, तुम ही लोगों में से कोई टाटा से बड़ा कंपनी बनाएगा, तुम ही लोगों में से कोई बिरला से बड़ा कंपनी बनाएगा। लेकिन नौकर वाला सोच खत्म करना है, नौकर नहीं बनना है हमको। बिहार में भवन निर्माण विभाग में बढ़िया नौकरी हो रहा था, हम ठुकरा दिए, 85,000 रुपया सैलरी छोड़ के आए, हम ठुकरा दिए। जब आए तो हमारे रिश्तेदार लोग जो है हमसे खापा हो गया और कहने लगा सब, मेरे पिताजी का गांव का नाम है मुन्ना, कि मुनुआ के बेटा पगला गई बा, मुनुआ के बेटा, आज जो जो कहा उनका बेटा जो है आज हमको देखा देखी जो है यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया। हमको हमारे सर ने बोल दिया था कि तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, सर का नाम था अभय सैलार, एडवांस सर्वे और सर्वे पढ़ाते थे, सिविल में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सर्वे और एडवांस सर्वे, उसके बाद जो है दूसरा एस्टेंट ऑफ मटेरियल सॉम टॉम जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद आता है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी उसके बाद आता है, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ाते थे, बहुत आसान सब्जेक्ट था और बढ़िया भी था। अब बोल दिया था तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, और पूरे कॉलेज में मनीषवा का सबसे पहले नौकरी हुआ, पहले सबसे पहले इंटरव्यू दिया और सबसे पहले हुआ। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जीवन में खूब सफल होइए, खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। आज एगो गांव से निकल के महानवा डोमरे मेरे घर चले जाना आप लोग, कभी देखना वहाँ से निकल के आज पूरे देश में लोग जानता है ना हमको। आप लोग तो बेतिया के हो, आप लोगों तो हमसे बढ़िया जनरेशन में पैदा हुए हो। आज आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, जब हम लोग कोचिंग जाते थे तो मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं रहता था, बोलिए ना। डुमरी मानवा के है ना, देखे है ना मेरा घर कौन से औकात के हैं। 2 बीघा जमीन बाबूजी के नाम पे है, कई बीघा, आ 2 भाई हैं, एक एक बीघा जमीन आएगा, उसमें से आधा जो है घड़ारी बसवारी फुलवारी आपर्ती में छट जाएगा। 10-10 कट्ठा जमीन है गाँव में, का वैल्यू है 10 कट्ठा जमीन का, और वो 10 कट्ठा बाढ़ में डूब जाता है, वहाँ से उठे संघर्ष किए, जो भी है आज इस मुकाम पे पहुँचे। आप लोग भी संघर्ष कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, खूब बढ़िए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए कभी किसी को सताइएगा मत। जिस दिन सताइएगा ना किसी को, उसी दिन आपका जीवन जो है ना, जीवन का सारा खुशी खत्म हो जाएगा।